जी तो तैयार हैं फिर आप लोग बिकॉज नाउ इज द टाइम टू नो वट इज वर्ड प्रेस कितनी दफा आप लोगों ने अभी तक ये लफ्ज सुन लिया है वर्ड प्रेस बार बार हम वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस कहे जा रहे हैं बट नाउ इट्स द टाइम टू नो कि यार ये वर्ड प्रेस है क्या भला ये है क्या चीज और ये क्या करता है सो लेट्स गेट ऑन विद इट वर्ड प्रेस इज अ सॉफ्टवेयर फॉर मेकिंग वेबसाइट्स आप इंटरनेट पे रोज जब ऑनलाइन जाते हैं आप क्या करते हैं आप ब्राउजर खोलते हैं आप ब्राउजर में जाके एक लिंक टाइप इन करते हैं यू आर एल टाइप इन करते हैं और इस लिंक को लिखने के बाद एक आप वेबसाइट खोलते हैं एग्जाम्पल्स गूगल हो गया एग्जाम्पल बी बी सी होगी कोई भी ऐसी साइट जो आप रोज़ एक्सेस करते हैं अपने ब्राउजर से उसको हम एक वेबसाइट कहते हैं और उसको क्रिएट करने के लिए देर इज़ अ सॉफ्टवेयर जिसका नाम है वर्ड प्रेस आप नाम में भी देख सकते हैं इट्स कॉल्ड वर्ड एंड प्रेस वर्ड प्रेस का जो नाम है वो इसी तरह शुरू हुआ था कि वर्ड वाज़ अबाउट जिस तरह सिंपल कोई लव्ज होता है लिखने के लिए एंड प्रेस इज कम्स फ्रॉम पब्लिशिंग इट्स कॉल्ड वर्ड प्रेस बिकॉज इट्स अ सॉफ्टवेयर फॉर पब्लिशिंग वेबसाइट इट्स ऑल्सो नोन एज अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम और इसके बारे में हम आगे जरा डिटेल में बात करेंगे कि यार ये कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम आखिर होता क्या है व्हाट इज़ सी एम एस एग्जैक्टली छोटी सी मिसाल आपको यहाँ पे देना चाहूँगा कि ऑनलाइन जिस तरह आप बहुत सारा कंटेंट देखते हैं अगर आप फेसबुक पे भी जाते हैं तो आपको पिक्चर्स मिलती हैं आपको वीडियोज़ मिलती हैं आपको टेक्स्ट मिलता है आपको लिंक्स मिलते हैं इस सब को इस सब मवाद को हम कहते हैं कॉन्टेंट एंड द ब्यूटी ऑफ वर्ड प्रेस इज़ दैट इट्स अ कॉन्टेंट मैनेजमेंट सिस्टम इट कैन हेल्प यू मैनेज ऑल ऑफ दिस कॉन्टेंट इन वन प्लेस इसको काफी डिवेलपर्स काफी एक्सपर्ट्स स्विस आर्मी नाइफ ऑफ द वेब भी कहती हैं जिस तरह आपको यहाँ पे स्विस आर्मी नाइफ का एक इमेज नज़र आ रहा है स्विस आर्मी नाइफ इज अ नाइफ दैट कैन डू एवरी थिंग इसमें चाकू भी है इसमें बॉटल ओपनर भी है इसमें एक टी सी वॉच भी है तो so, जिस तरह स्विस आर्मी नाइफ एक ए, एक डिफरेंट तरह का कंपोनेंट्स आपको अवेलेबल करती है एक सिंपल नाइफ में वैसे ही वर्डप्रेस अलाउज यू टू डू डिफरेंट थिंग्स ऑन द वेब तो वर्डप्रेस की ये खासियत है कि वर्डप्रेस सिर्फ कोई एक एक पर्टिकुलर किस्म की वेबसाइट बनाने के लिए नहीं यूज होता बिकॉज वर्ड इज यूज फॉर ऑल काइंड ऑफ फंक्शनैलिटी ऑनलाइन तो इट्स टूल फॉर ब्लॉग्स ब्लॉग्स क्या होते हैं आपने काफ़ी ऐसी वेबसाइट्स देखी होंगी ऑनलाइन जिधर लोग अपने थाट्स शेयर करते हैं तो so पुराने ज़माने में जो एक कॉन्सेप्ट था अभी भी कुछ लोग उसको फॉलो करते हैं कि लोगों को डायरी लिखने का शौक होता था उसी का जो ऑनलाइन वर्जन है उसको हम कहते हैं ब्लॉग्स एंड वर्ल्ड प्रेस एक्चुअली टू थाउजेंड एंड थ्री में इट स्टार्टेड ऑफ एज अ प्लेटफॉर्म और एज अ टूल वेर यू कुड पब्लिश ब्लॉग्स Another amazing thing about WordPress is that it's free and it's open source. Free है क्यों है? क्योंकि एक पूरी foundation है WordPress foundation के नाम से जो इसकी development को support करती है। बिल्कुल उसी तरह जिस तरह कुछ software जो आप current life में अभी use करते होंगे like Chrome, which are free to use इसी तरह WordPress for your life it's free to use. आज से 13 साल पहले जब मैंने WordPress use किया ये तब भी free था और आज भी फ्री है और आज से आगे भी ये फ्री रहेगा क्यों क्योंकि इट्स सपोर्टेड बाय अ मूवमेंट विच इज़ नोन एज द ओपन सोर्स मूवमेंट और ये वो लोग हैं ये वो कोडर्स हैं जो कि वर्ड में फ्री कॉन्ट्रीब्यूशन करते रहते हैं एंड दे कीप द सॉफ्टवेयर अपडेटेड वर्ड की एक और बहुत खास फीचर है और वो ये है कि वर्ड इज वेरी सिंपल एंड इजी टू यूज़ मैंने अपनी लाइफ में 12 साल से 14 साल के बच्चों को भी वर्ड यूज करते हुए देखा है साथ साथ मैंने 60 से 70 साल लोगों को भी वर्ड यूज करते हुए देखा है क्यों बिकॉज इसकी फंक्शनैलिटी इतनी सिंपल है इट्स सो सिंपल एंड ईजी टू यूज वर्ड प्रेस इज द मोस्ट पॉपुलर वेबसाइट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर आप हैरान होंगे ये सुन के पूरे इंटरनेट पे जितनी भी वेबसाइट्स हैं थर्टी परसेंट ऑफ दोज वेबसाइट्स आर एक्चुअली पावर्ड बाय वर्डप्रेस और ये सोच के आपको हैरानी होगी कि पूरे इंटरनेट पे आखिर कितनी वेबसाइट्स जो हैं वो एग्जिस्ट करती हैं अकॉर्डिंग टू एन एस्टिमेट मोर देन सिक्सटी मिलियन वेबसाइट्स आर पावर्ड बाय व्रेस एंड टॉप मिलियन जो एक वेबसाइट्स हैं जो टॉप वन मिलियन वेबसाइट्स हैं थर्टी ऑफ दोज वेबसाइट्स आर पावर्ड बाई वर्ड प्रेस और कुछ और भी सी एम एस कॉन्टेंट मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर हैं जो एग्जिस्ट करते हैं जिनके बारे में हम आगे बात करेंगे बट फोकस राइट नाउ इज़ ऑन टेलिंग यू कि वर्ड प्रेस क्या है और क्यों एग्जिस्ट करता है वर्ड प्रेस कौन ओन करता है वर्ड प्रेस इज ओन बाय कम्युनिटी और अ कंपनी को ऑटोमेटिक और ऑटोमेटिक की ये जॉब है कि वो वर्ड प्रेस को कॉन्स्टेंटली अपडेट करते हैं और वर्ड प्रेस में नई तरह की फंक्शनैलिटी डालते हैं एक और वर्ड के बारे में बहुत जो फीचर मुझे अच्छी लगती है वो ये है कि वर्ड प्रेस इज मोबाइल रेडी अगर आप वर्ड प्रेस किसी भी तरह की कोई वेबसाइट क्रिएट करते हैं तो आपकी वो वेबसाइट ऑटोमेटिकली मोबाइल के लिए कंपेटेबल हो जाएगी आपको खुद से उसमें मोबाइल फंक्शनैलिटी डालने की ज़रूरत नहीं है दैट्स वाई आई थिंक वर्ड प्रेस इज लाइक मैजिक वर्ड प्रेस एक जादू की तरह एज लॉन्ग एज यू नो हाउ टू यूज द ट्रिक्स एक और फीचर जो मुझे वर्डप्रेस की बड़ी पसंद है वो है थीम्स या अपीय जिसका हमने पीछे भी थोड़ा सा जिक्र किया था लेकिन दोबारा बताता चलूं कि थीम्स अलाउ यू टू चेंज द अपीरेंस ऑफ योर वेबसाइट तो जिस तरह मैंने यहाँ पे ये कपड़े पहने हुए हैं कल तो अगर मैं कोई और कपड़े पहन के आ जाऊँ सो आई वुड चेंज माई अपीरेंस इसी तरह वर्ड प्रेस की भी आप कपड़े या थीम्स बार बार चेंज कर सकते हैं एंड दैट्स अगेन अ वेरी बिग फीचर ऑफ वर्ड प्रेस वर्ड प्रेस में प्लगिन भी हैं प्लगिन हेल्प यू एड एडेड और एक्सटेंडेड फंक्शनैलिटी टू योर वेबसाइट जिससे आप नई तरह के सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर सकते हैं और नई तरह की फीचर्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं वर्ड प्रेस कैन ऑल्सो होस्ट मीडिया किसी भी तरह का आपके पास इमेजेस हो वीडियोज हो कॉन्टेंट हो या फाइल्स हो वर्ड प्रेस कैन होस्ट दो वर्ड प्रेस कैन ऑल्सो होस्ट फोरम्स आपने से आज से दस साल पहले अगर कुछ लोगों ने इंटरनेट यूज किया हो तो फॉरम्स एग्जिस्ट करते थे जिधर लोग एक दूसरे से बात कर सकते थे वर्ड का एक प्लग है बीबी बी फॉरम के नाम से थ्रू विच यू कैन एक्चुअली इंस्टॉल फॉरम्स वर्ड पे आप स्टोर बना सकते हैं say, आप एक ऑनलाइन शॉप खोलना चाह रहे हैं इट विल टेक यू ऑलमोस्ट अ फ्यू आवर्स टू सेटअप अ साइट ऑन वर्ड प्रेस विच हैज इन ई स्टोर इसके अलावा बेतहाशा और फंक्शंस फीचर्स आपके पास अवेलेबल हैं सच एज अ ब्लॉग ई कॉमर्स स्टोर आप एक बिजनेस वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हैं आप एक म्यूजिक वेबसाइट सेटअप कर सकते हैं या आप अपनी फोटोग्राफी पोर्टफोलियो वेबसाइट भी सेटअप कर सकते हैं तो वर्ड प्रेस इज़ अ स्विस नाइफ आई होप के इस कोर्स में आप ये सीखें कि वर्ड प्रेस को यूज़ करते हुए कैसे आप अपने ऑब्जेक्टिव तक पहुंच सकते हैं और साथ साथ एक अच्छी आमदनी एंड यू कैन मेक गुड मनी विद वर्ड प्रेस